मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मानव मानव एक समान के संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास जी को सत्य सत्य नमन। राम कुमार यादव ग्राम बड़े रबेली में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। विधायक राम कुमार यादव शक्ति नवीन जिला शक्ति के मालखरोदा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ी रबेली इस बार 3 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 5 जनवरी से 7 जनवरी 3 दिवसीय होने वाला है, जिसमें द्वितीय दिन के कार्यक्रम में इस बार चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका ग्रामीणों ने बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया। ग्राम बड़ी रबेली के सतनाम जयंती में शामिल हुए विधायक राम कुमार यादव ने गुरु गद्दी व जेतखाम का पूजा अर्चना कर क्षेत्र की समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर 1956 को गुरु घासीदास का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में ऊंच नीच छुआछूत झूठ और कपट का बोलबाला था। उनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरोद नामक ग्राम में बताया जाता है। पिता महंगूदास तथा माता अमरोतीन के घर जन्मे गुरु घासीदास ने समाज को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने सत्य के प्रति अटूट आस्था थी, उसी कारण उन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए जिनका लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। घासीदास ने जहां समाज में एकता बढ़ाने का कार्य किया, वहीं भाईचारे और समरसता का संदेश भी दिया। उन्होंने न सिर्फ सत्य की आराधना की बल्कि समाज में नई जागृति पैदा करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। अपनी तपस्या से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग उन्होंने मानवता की सेवा कार्य के लिए किया। उनके इस व्यापार और प्रभाव के चलते लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए और इस तरह छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना हुई। समाज में लोगों को उनके द्वारा दिए गए प्रेम, मानवता व संदेश और उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। उन्हें भक्त मानते ही गुरु घासीदास द्वारा बताया गया रास्ता अपना कर ही अपना जीवन तथा परिवार की उन्नति हो सकती है। गुरु घासीदास के मुख्य रचनाओं में उनके सात वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए सतनाम पंथ का संस्थापक भी गुरु घासीदास को ही माना जाता है। इस तरह से सतनाम जयंती समारोह बड़े रबेली में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बहुत ही सम्मानित, भले तुमन की उम्र में छोटे है लेकिन कोई भी जगह अजगले के या तो अलग सम्मान रहते। पत्रकार भाई के भी हम ताली बजा के स्वागत कर रहे, भले तुम्हें नहीं समझत हो या ये टेकचंद के बारे में, ये टेकचंद भाई ये नहीं जाए और ऑफिस नहीं खोली तो पूरा क्षेत्र हमारे पास रह जाए गैस लगों को भवा दी। हम टेकचंद के भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर रहे। रोहित भास्कर जी, भूषण खरे जी, गणराज जी खुटे, श्रीमती प्रमिला खुटे जी, भजन भाई जी, आज जेकर मैं आखिरी में